हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक है कंडक्ट आयंस एंड कंडक्टर। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम सब जानेंगे कि कंडक्ट आयंस क्या होते हैं और रेसिस्टिविटी क्या होती है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होते हैं, मोलर कंडक्टेंस क्या होते हैं। इन सब टॉपिक को इनमें हम कवर करेंगे आज। तो आइए चलते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि कंडक्टेंस क्या होता है और कंडक्टर क्या होते हैं। तो कंडक्टर कोई भी आपका मेटल का ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसमें से क्या हो रहे हो, इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन जब पास हो रहे हो, तब इलेक्ट्रॉन पास होने के द्वारा वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही हो, तो वो आपको क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। और ये आपके कंडक्टर के थ्रू ऐसा हो रहा है और ये कहलाते क्या है, कंडक्टेंस कहलाते हैं। कंडक्टेंस वो होते हैं जिनमें क्या हो रही हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो, जो करंट को क्या कर रहे हो, फ्लो करवा रहे हो, वो क्या कहलाती है, कंडक्टेंस। अब जो आपके ये होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका होता है मेटालिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और सेकंड क्या होता है, सेकंड होते हैं आपके इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो अब मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर मीन्स कि जो मेटल के कोई ऑब्जेक्ट हो उसमें ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या होगा, कोई भी आप यहाँ पर कंटेनर लें और इसमें दो आप यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगाए, एक कैथोड दूसरा एनोड, कोई इलेक्ट्रोलिटिक यहाँ सोल्यूशन लें, इलेक्ट्रोलाइट लें। अब यहाँ से आप बैटरी कनेक्ट करें और फिर क्या करें, जैसे ही यहाँ से आप करंट अप्लाई करेंगे वैसे ये फ्लो करेंगे अपने अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड जो आयंस होंगे, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स की एक बार आयंस में क्या कर जाएंगे, डिसोसिएट कर जाएंगे। ये अपने अपोजिट चार्ज रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये आयन होंगे, ये कटायंस और एनायंस मूव करना शुरू कर जाएंगे। तो अब इसे हम क्या, और जब मूव करेंगे तो इसके वजह से जो करंट जनरेट होगी और फ्लो करेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब आते हैं हम सब यहाँ पर जो अभी बात कर रहे थे जिसके बारे में कि कंडक्टेंस क्या होते हैं। तो आपने पहले से पढ़ा है कि जो एक आपका टर्म होता है रेसिस्टेंस, वो पहले से यूज किया जा रहा था। रेसिस्टेंस मीन्स क्या होता है कि कोई जो विरोध कर रहा हो, किसी भी वायर में कोई करंट फ्लो कर रही हो तो इसका जो रेसिस्टेंस करे, विरोध करे, वही तो आपकी रेसिस्टेंस होती है। और दूसरा आपने पढ़ा भी कंडक्टेंस, तो जो कंडक्टेंस होता है इसको हम क्या करते हैं, सी से या जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अलग अलग बुक अलग अलग प्रिफर करती है टेक्नोलॉजी। तो इसमें ये क्या करती है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा हो उससे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। और रेसिस्टेंस क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को का विरोध करे, जो उसे रोके, उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। हम कैपिटल आर के द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये अब आपका देखिए रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, अपोजिट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टेंस वाला किसके इक्वल हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं कि कंडक्टेंस इक्वल टू 1/r, ये आपकी कंडक्टेंस हो गई। और अब हम अगर इसकी यूनिट की बात करें तो आर आपको मालूम है कि वी बाई आर आर से आया होगा, बी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है करंट, आर क्या है रेसिस्टेंस। तो अब इसमें जो आपका आर है रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये मेनली इसकी यूनिट जो होगी वो ओम होगी, ओ एच एम ओम, ओम को हम इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इस ये ओम जब ऊपर लेकर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, इनवर्स में मिल जाएगा। तो ओम इनवर्स इसकी क्या होगी, ये इसकी यूनिट होगी। तो अब आगे हम सब पढ़ते हैं कंडक्टेंस से, जो एक अगला हमारा ये
कंडक्टिविटी में हमने आप ये फार्मूला एक और पढ़ा था कि जो रेसिस्टेंस आर होता है वो इसके इक्वल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो एल बाई ए के। इट मींस कि जो हमारा हम यहाँ पर क्या करें जिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जैसे हटाएंगे वो एप्सिलॉन के इक्वल आएगा। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एल बाई आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। इट मींस क्या हुआ कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेसिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लेंथ घटाएंगे वैसे वैसे रेसिस्टेंस कम होगा। लेकिन एरिया से क्या रिलेशन था, लेंथ जब आप एरिया उसको बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा कम हो जाएगा, और जब रेसिस्टेंस बढ़ा देंगे तो एरिया उसकी कम हो जाएगी। तो अब हम जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे वैसे कांस्टेंट लगा देंगे रो, और रो को यहाँ क्या बोलते हैं रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब ये जो हमारा अगला टॉपिक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इसी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, इसको हम एक ग्रीक लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं जिसे हम कप्पा बोलते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि ये क्या होता है। तो हमको मालूम है कि आर रेसिस्टेंस किसके इक्वल होता है रो एल बाई ए के इक्वल होता है। अब आइए देखते हैं कप्पा किसके इक्वल होता है, तो कप्पा जो इक्वल होता है वो वन बाई रो के इक्वल होता है। इट मींस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का जो इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है कप्पा के इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमने देखा आर इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो हम इस रिलेशन से अगर रो को बाहर निकाल लें तब हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा यहाँ पर रो इक्वल टू आर ए बाई एल, ये क्या होगा उलट जाएगा। तो अब हम क्या करें वन बाई रो जैसे पुट करें तो वन बाई रो किसके इक्वल होगा वन बाई रो इक्वल होगा वन बाई आर मल्टीप्लाई बाई एल बाई ए के, ये हमको यहाँ से मिल जाएगा। अब हम क्या करें कप्पा यहाँ पर पुट कर दें, तो हम लिख सकते हैं जो हमारा कप्पा है वो किसके इक्वल है कप्पा इक्वल टू कप्पा इज इक्वल टू क्योंकि यहाँ वो वन बाई रो की जगह पर हमने कप्पा पुट करा है, तो वन बाई रो या कप्पा इज इक्वल टू वन बाई आर इंटू एल बाई ए, ये हमको यहाँ से मिल गया। तो हमको मालूम है एल बाई ए जो होता है वो क्या होता है सेल कांस्टेंट होता है। एल बाई ए टर्म है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, और इसको जी स्टार के द्वारा या ऐसे सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि जो हमारा एल बाई ए है, यहाँ आपने पढ़ा था कि के इक्वल टू वन बाई आर मल्टीप्लाई बाई एल बाई ए, एल बाई को आपने सेल कांस्टेंट या जी स्टार में लिया। तो अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा था तो वन बाई आर किसके इक्वल था, वन बाई आर जो इक्वल था वो कंडक्टेंस के इक्वल था, कंडक्टेंस याद करिए सी या जी के इक्वल था हमारा क्या वन बाई आर। तो हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं के इज इक्वल टू वन बाई आर की जगह पर हम या तो सी लिख लें या तो जी लिख लें कुछ भी लिख लें, तो वो के इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाई जी स्टार, ये हमको एक फार्मूला एक रिलेशन मिल गया कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट। अब जो यहाँ पर इनकी यूनिट होगी कप्पा की, तो कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये होगी इसकी कप्पा की यूनिट यहाँ पर। अब आगे हम सब बढ़ते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की तरफ। एक हमारा अगला टर्म है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो जो हमारा इक्विवेलेंट
कोई भी आपने सोल्यूशन लिया है, ये सपोज करिए आपने कोई एक सोल्यूशन लिया है, इस सोल्यूशन में एक कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड आपने यहाँ पर करे हैं ऐसे, और इनके बीच में यहाँ पर एक ग्राम कोई इलेक्ट्रोलाइट बंधी हुई है, तो इस एक ग्राम और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जब एक ग्राम इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रही हो, जब ये आयंस में अपने रेस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट कर रही हो और करंट को फ्लो करवा रही हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। फॉर एग्जांपल यहां हम जब बात करते हैं तो इसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लैम्डा से, ये कैपिटल लैम्डा है इससे हम डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं लैम्डा ई क्यू लिखा होता है या लैम्डा ई से लिखा होता है, तो लैम्डा ई इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, हम देखें तो ये हमारा इक्वल होता है इसमें जो हमारा यहाँ पर वन कप्पा मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय जो कंसंट्रेशन होता है, हमारा कंसंट्रेशन होता है इसमें इक्विवेलेंट के, कंसंट्रेशन उस इक्विवेलेंट का जितना होता है उतने ही तो ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी और वही तो ये लैम्डा ई के इक्वल आएगा। तो अब कंसंट्रेशन को हम एक इक्वेशन वन मान लीजिए, तो कंसंट्रेशन को हम इसमें मेजर करते हैं, कंसंट्रेशन यहाँ हम अगर बात करें तो कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है वन बाई ई इक्विवेलेंट, क्योंकि बायोन के टर्म में हम इसे मेजर करते हैं, इसे आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, तो इक्वेशन सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए, अब देखिए क्या आएगा, लैम्डा ई क्यू बी इज इक्वल टू, यहाँ ई क्यू बी भी आप पुट कर सकते हैं, लैम्डा ई क्यू बी इज इक्वल टू कप्पा, और यहाँ से जैसे आप कंसंट्रेशन की वैल्यू है वन बाई बी इक्विवेलेंट, तो कंसंट्रेशन के स्थान पर आप वन बाई बी इक्विवेलेंट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या, बी इक्विवेलेंट, ये आपका वैल्यू मिल गया, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई बाय वैल्यू इक्विवेलेंट। अब आप यहाँ वॉल्यूम जो आपको मिल गया है, वॉल्यूम अब दो टर्म में होते हैं, एक तो आपकी नॉर्मलिटी के टर्म में निकाली जाती है, दूसरी मोलारिटी के टर्म में वॉल्यूम निकाली जाती है, तो अब हम दोनों के टर्म में निकालते हैं, तो जब नॉर्मलिटी के टर्म में निकालते हैं तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं, और जब हम मोलारिटी के टर्म में निकालते हैं तब वहां पर हम मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। अब आइए देख लेते हैं जो हमारे यहाँ पर आगे दी गई है, कि सपोज करिए 1000 सीसी है, इसमें क्या हो रहा है, 1000 सीसी में यन इक्विवेलेंट दिया हुआ है, सपोज करिए फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ दिया गया है 1000 सीसी है और हमारा इसमें जो दिया हुआ है वो यन इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तब यहाँ पर क्या होगा, वन और लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000 कप्पा तो है ही, वो तो कहीं जाएगा, हमने बात किसी करी है, हमने वॉल्यूम की बात करी है, वॉल्यूम जो हमको पता करना था तब हमने कहा कि 1000 सीसी दिया है इसमें यन इक्विवेलेंट में, तब हम इसके इक्वल लिख सकते हैं कप्पा मल्टीप्लाइड बाय जो हमने यहाँ देखा ये 1000 डिवाइडेड बाय जो हमारी यन इक्विवेलेंट है, यन इक्विवेलेंट मींस यन, तो यन क्या है यहाँ पर, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। अब इसकी यूनिट की अगर हम बात करें कि लैम्डा इक्विवेलेंट की यूनिट क्या होगी, तो हम लिख सकते हैं कि जो लैम्डा इक्विवेलेंट की यूनिट होगी ये होगी हमारे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इसकी यूनिट निकल कर आएगी, आप निकालेंगे तो आपको यही मिलेगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब ठीक इसी के जैसा हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं वो है हमारा मोलर कंडक्टेंस, हम यहाँ पर बात करेंगे
बात करें कि कंडक्टेंस हो रहा है कितने का, एक मोल का, तो एक मोल का जो कंडक्टेंस करे उसे हम मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं तो लैम्डा एम से ग्रोथ करते हैं, इसको हम ग्रोथ करेंगे लैम्डा एम से। अब देखो जब हम बात करते हैं मोलर के टर्म में, एक मोल की हमने बात करी तो हमने कहा कोई आप आयन ले लीजिए, आप सपोज करो NaCl ले लेते हैं, अब ये कंडक्टेंस होगा किसका होगा, इलेक्ट्रोलाइट का होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के, दो टाइप के, तो स्टार्ट इलेक्ट्रोलाइट दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो हम स्टार्ट इलेक्ट्रोलाइट की पहले बात कर लेते हैं, ये हमारा कोई स्टार्ट इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्टार्ट इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जाम्पल NaCl, हमने क्या कहा एक मोल NaCl का ले लिया, एक मोल मीन्स का 6.022 × 10²³ कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है NaCl के एक मोल में, तो ये हमारा जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में क्या करेगा डिसोसिएट कर जाएगा, तो अब यहाँ पर भी Na के कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे 6.022 × 10²³ और फ्लोराइड आयन के भी हमको जो मॉलिक्यूल मिलेंगे वो 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल इतने भी इसके मिलेंगे, तो अब ये जो स्टार इलेक्ट्रोलाइट है कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया ऑलमोस्ट 99.999 समथिंग ऐसे ये करके और डिसोसिएट करके इसलिए हमने 100 मान लिया। लेकिन इन केस बी की इलेक्ट्रोलाइट जैसे हमने क्या करा यहाँ पर एसिड ले लिया फॉर एग्जाम्पल CH3COOH, ये जब क्या करेगा डिसोसिएट करेगा तो ये CH3COO- और ये प्लस में टूट जाएगा, तो हमने सपोज तो यहाँ वन मोल इसके लिए तो वन मोल में कितने 6.022 × 10²³ और यहाँ भी जब अगर हम बात करें तो क्या सेम होंगे, नहीं यहाँ सेम नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे क्योंकि तो ये पार्शियल डिसोसिएशन हुआ है यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो इससे कुछ ही मोल के मॉलिक्यूल क्या रहेंगे टूटेंगे डिसोसिएट करेंगे, 100 सपोज तो आप लेंगे तो 50 मॉलिक्यूल यहाँ से डिसोसिएट करेगा 50 रह जाएगा, यही एसिटिक एसिड के फॉर्म में पड़ा रहेगा, तो ये आपके जो बनेंगे सपोज तो यहाँ 10²⁶ बन गया या ये 10²⁶ बना जाता है बनेगा तो नहीं बनेगा, तो बाकी तो इसकी तुलना में बहुत कम है ना, तो इसलिए हम बात करते हैं कि जो मोलर कंडक्टेंस सभी इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या वो सेम होती है, तो नहीं वो सभी आयन के लिए सभी के लिए सेम नहीं होती है, सभी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए उनका जो मोलर कंडक्टेंस होता है वो अलग अलग होता है। अगर आप बात करें NaCl भी तो स्टार इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी तो जैसे डिसोसिएट करेगा H+ और Cl- माइनस में करेगा, क्या ये यहाँ पर H+ और Cl- माइनस वन मोल, ये भी वन मोल ये भी वन मोल सिक्स पर दूसरे ही नंबर से, तो क्या आप बताइए यहाँ H+ यहाँ क्लोराइड आयन यहाँ क्लोराइड आयन इनकी बात तो सेम है दोनों, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन आयन यहाँ सोडियम आयन है, क्या इनकी जो मोलर कंडक्टेंस वैल्यू निकल कर आएगी तो सेम आएगी, नहीं तो नहीं आएगी क्योंकि इनके आयन की जो साइज है उनमें डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये डिफरेंस होने की वजह से मोलर कंडक्टेंस जो होती है वो सबकी अलग अलग होती है। अब निकालने के फॉर्मूला देख लेते हैं, तो सेम जैसे हमने वहां पर नार्मल की यूज किया नार्मल का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाला था सेम वैसे ही हम यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे, तो हम ज्यादा डीप में न जाकर साग में बता दे रहे हैं कि जैसे वहां पर लैम्डा इक्विवेलेंट किसने इक्वल निकल कर आया था कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन नार्मल की, तो यहाँ पर क्या आएगी लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन, अब यहाँ हम किसकी बात करेंगे यहाँ मोलर की बात करेंगे मोलारिटी की बात करेंगे, तो ये आपके आपको फार्मूला एक मिल जाएगी, अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी जो यूनिट होगी वो लैम्डा एम की यूनिट जो होगी यूनिट ऑफ लैम्डा एम इज मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगी वहां पर क्या आएगी वहां पर आएगी ओम इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी क्या जाएगी यूनिट निकल कर आ जाएगी। अब ये कुछ इससे रिलेटेड इतने कार्य थे,
आउट, उसके बाद में ये आपसी सर्कल ये होगा, उसके बाद में हम समझते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।